हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू एग्जाम सीरीज। माय नेम इज अबसार आलम एंड यू आर वाचिंग नीट पॉट। आप सबको पता है कि 12th के एग्जाम्स आने वाले हैं बिहार बोर्ड के, और आप में से काफ़ी सारे लोगों ने मुझे ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासरूम में भी कहा कि सर कुछ गेस दे दीजिए 12th क्लास के जो बायोलॉजी के क्वेश्चंस होते हैं। जनरली आपको पता है कि मैं नीट के लिए वीडियोस बनाता हूं, लेकिन आप लोगों की सहमति से मैंने शुरू किया है एग्ज़ाम सीरीज। इस एग्ज़ाम सीरीज में हमने काफ़ी सारा वक्त लेकर रिसर्च किया है कि कौन से क्वेश्चंस के आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। पहले हमने शुरू किया कि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आपको 100 क्वेश्चंस मैं गेस करके दूं, जो डिफरेंट मॉडल पेपर से, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से, उससे हमने गेस किया है, और होपफुली कि इन्हीं में से आपके क्वेश्चंस जो है वो आ जाएंगे। हमने टारगेट रखा है कि सिर्फ 100 क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस के आपको गेस करके देंगे, और ये 5-6 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। तो आप ये देखने के बाद मुझे बताना, और बड़ी जल्दी से, क्योंकि अभी सिर्फ और सिर्फ एक हफ्ते का टाइम रह गया है 12th बोर्ड के एग्जाम्स में। तो आप मुझे बताना कि आपको शॉर्ट आंसर और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के चाहिए या नहीं चाहिए। अगर आपको अच्छा लगेगा तो मैं उनमें से 2-3 वीडियोस बना करके मुश्किल से 20 या 30 क्वेश्चंस का आपको दे सकता हूं। तो जैसा कि आज आपको मैंने बोर्ड में पहले ही लिख रखा है, जनरली मैं बोर्ड में पहले से नहीं लिखता हूं, पढ़ाने के समय में और आपके साथ इंटरेक्ट होने के समय में ही लिखता हूं। चूँकि टाइम को थोड़ा सा बचाना है, इसलिए मैंने जो क्वेश्चंस हैं आज 12 क्वेश्चंस को हमने ऑब्जेक्टिव टाइप लिखा है, और इनको हम पहले देखने की कोशिश करते हैं, और कहीं कहीं एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है वो मैं बताऊंगा आपको। उसके बाद आपको लगातार 5-7 वीडियोस, यानी 100 क्वेश्चन जैसी हो जाएगा ऑब्जेक्टिव, इनमें से आपको ज़रूर देख के जाना है। मैं ये नहीं कहता कि आपको सिर्फ यही पढ़ना है, लेकिन लास्ट टाइम में आपको ज़रूर ये देखना चाहिए, हो सकता है आपका बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो सबसे पहले क्वेश्चन हम लोग आज देखते हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो है कि रिप्रोडक्शन बाई बडिंग अकर्स इन। अब ये देखिए, मैंने क्लासरूम में कई बार आपको बताया है, तो इसका आंसर सीधा सीधा क्या हो जाएगा, ईस्ट। क्योंकि ईस्ट में ही जो बर्ड का फॉर्मेशन होता है, और जब वो बर्ड जब बिल्कुल ग्रो कर जाता है, मेच्योर हो जाता है, तो उसके बाद ईस्ट से डिटैच होकर एक न्यू इंडिविजुअल या नए ईस्ट में बन जाता है। तो फर्स्ट का जो आंसर होगा वो है ईस्ट। ध्यान रखिए, आपको ईस्ट में टिक लगाना है। आइए दूसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सोर्स ऑफ इको आर1 एंजाइम, यानी इको आर1 एंजाइम का सोर्स या हिंदी में स्रोत क्या है, तो ये भी हमने आपको बहुत अच्छी तरीके से बताया है। और उसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये इको कम्स फ्रॉम द इकोलाई। जब हमने नेमिंग पढ़ा रहे थे आपको, यानी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में, तो ये लिया जाता है किससे, इकोलाई से, यानी इको आर1 इज द एंजाइम जिसका सोर्स क्या है, इकोलाई है। ठीक है, तो दो नंबर, यानी दूसरे नंबर का जो आंसर होगा वो है इकोलाई, सोर्स ऑफ इको आर1 एंजाइम। हिंदी वाले भी घबराए नहीं, यानी इको आर1 एंजाइम का स्रोत क्या है, तो नाम तो वैसे ही है, आपको इकोलाई में टिक लगाना है। थर्ड क्वेश्चन है, इंडिकेटर ऑफ SO2 पॉल्यूशन इज, यानी सल्फर डाइऑक्साइड का जब पॉल्यूशन हो जाता है, प्रदूषण हो जाता है, तो उसके इंडिकेटर के रूप में, उसके जो क्या बोलते हैं उसको, हाँ, इंडिकेटर के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है, या कौन ऐसे होते हैं जो इंडिकेट करता है कि यहाँ सल्फर डाइऑक्साइड का पॉल्यूशन या प्रदूषण हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा लाइकेन। क्योंकि लाइकेन ही एक ऐसा पॉल्यूशन इंडिकेटर की तरह काम करता है, सो इंडिकेटर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड पॉल्यूशन इज लाइकेन। अब हम लोग बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ, यानी सीमेन इज फ्रोजन इन, जो सीमेन है, वीर्य है, उसको जमा किया जाता है, या यूं कह ले फ्रीज किया जाता है, किस में, लिक्विड नाइट्रोजन, रेफ्रिजरेटर, आइस, ऑल ऑफ दीज, तो इसका आंसर हो जाएगा लिक्विड। बेसिकली जब भी हम लोग सीमेन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने की कोशिश करते हैं, या कई दिनों तक, कई लंबे समय तक इसको स्टोर करना चाहते हैं, तो उसको लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर करना पड़ता है। सो इन तीनों क्वेश्चन, चारों क्वेश्चंस के आप आंसर देखते जाइए, नोट करते जाइए। लिक्विड नाइट्रोजन आपको जहन में बसाना है, एक दो बार आप बोलेंगे देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा, लिक्विड नाइट्रोजन। अब
फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है विच विटामिन इज प्रेजेंट इन गोल्डन राइस, यानी सुनहरे जो धान या चावल होता है उसमें किस टाइप के विटामिन पाए जाते हैं। गोल्डन राइस में चार ऑप्शन है, विटामिन ए, विटामिन बी 12, विटामिन सी और विटामिन डी। तो इसका आंसर है विटामिन ए, यानी आंसर इज ए। देखिए यार, इसमें कुछ समझाने का नहीं है, आपको गोल्डन राइस के बारे में पता होना चाहिए कि उसमें कौन से विटामिन पाए जाते हैं। इसके अलावा भी पाए जाते हैं लेकिन विटामिन ए जो है ज्यादातर मोस्टली पाया जाता है, इसलिए आंसर वुड बी दी विटामिन ए। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। ये क्वेश्चन ना बहुत ही फेवरेट है क्योंकि ये 2018 के बोर्ड में पूछा गया था और इसको काफ़ी सारे मॉडल पेपर्स जब पढ़ेंगे आप तो इस क्वेश्चन का रिपीटेशन है। इसका मतलब ये है कि इसकी प्रोबेबिलिटी आने के चांसेस हैं। वैसे ये भी जब आप मेरे रिप्रोडक्शन वाले लेक्चर पढ़ेंगे तो उसमें मैंने बताया था कि बाई बर्थ के समय में कितने ओसाइट्स पाए जाते हैं, कितने ओवम बन सकते हैं और लास्टली जो एक नॉन प्रेग्नेंट फीमेल है उसमें कितने पाए जा सकते हैं। रिप्रोडक्शन का एक अलग से प्लेलिस्ट है, आप उसमें जाके देख सकते हैं। एनीवे, इस क्वेश्चन पे आते हैं। तो कह रहे हैं द टोटल नंबर ऑफ एग्स प्रोड्यूस इन अ हेल्दी ह्यूमन फीमेल ड्यूरिंग लाइफ टाइम, यानी एक जो स्त्री होती है वो पूरी लाइफ में यानी पूरे जीवन काल में कितने अंडे को, कितने एग्स को प्रोड्यूस करती हैं। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, काफ़ी सारे बच्चों ने 2018 के एग्जाम में गलत किया था। तो इसका आंसर जो है दिया है 4,440 and 365। तो आपको ये याद रखना है कि 400 होता है। देखिए इसमें तो सिर्फ यही फिगर दिया है, इसमें आपको दिएगा अगर 300 to 400 तो आपको यही आंसर लगाना है 300 to 400। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, दोनों आंसर हो सकता है 300 to 400 या सिर्फ अगर 400 दिया हो तो आपको 400 पे ही टिक लगाना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा क्या, 400। अब हम लोग बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। जीन्स प्रेजेंट ऑन द सेम लोकस हैविंग डिफरेंट एक्सप्रेशंस आर कॉल्ड, यानी वो जीन जो कि एक ही लोकस एक ही स्थान पर पाए जाते हैं परंतु उनके एक्सप्रेशन उनकी जो अभिव्यक्ति है वो अलग अलग होती है, तो उस ऐसे जीन्स को क्या कहते हैं। तो बेसिकली आंसर है मल्टीपल एलील, पॉलीजीन, ऑन्कोजीन, कोडोमिनेंट। ये दोनों तो होंगे नहीं, कोडोमिनेंट, ऑन्कोजीन कहते हैं कैंसर जीन, पॉलीजीन भी नहीं होगा, बेसिकली है मल्टीपल एलील। मल्टीपल एलील का मतलब होता है एक जीन का ऑल्टरनेटिव फॉर्म को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एलील बोलते हैं। तो जब मल्टीपल एलील की बात आती है इसका मतलब यह है कि एक ही लोकस में एक ही स्थान पर कई जीन्स पाए जाते हैं और उनके जो एक्सप्रेशंस हैं उसकी जो अभिव्यक्ति है वो अलग अलग है। तो आंसर विल बी मल्टीपल एलील, या इसको हिंदी में बोलते हैं बहु जीनी या बहु एलील। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, हो सकता हो कि इस बार आ जाए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके पीछे एक एक्सप्लेनेशन छुपा हुआ है, वो मैं आपको बताता हूँ। जनरली क्वेश्चन है द ह्यूमन क्रोमोजोम विद हाइएस्ट एंड लीस्ट नंबर ऑफ जीन्स आर, कह रहे कि जो मनुष्य का गुणसूत्र है, क्रोमोजोम है, उन क्रोमोजोम के बारे में बताइए जिसमें हाइएस्ट और लीस्ट नंबर ऑफ जीन्स पाया जाता है। तो आपको पता है HGP यानी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट 1990 में इसकी शुरुआत हुई थी और 2003 में ये कंप्लीट हुआ था, लगभग 13 साल इसमें लग गए, 19 मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ, यानी 1990 से 2003 में HGP, और HGP यानी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया गया था। अब देखिए इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो HGP ने का जो मकसद था पूरे जीनोम की सीक्वेंसिंग,
पूरे जीनोम की सीक्वेंसिंग का मतलब यह है कि आप में जितना भी जीन बॉडी में किसी भी मनुष्य में यानी ह्यूमन में पाया जाता है, जितने भी जीन्स, उसके लोकस के बारे में, उसकी इन्फॉर्मेशन के बारे में और कहाँ कहाँ पाया जाता है इसके बारे में स्टडी करना था, यानी पूरी सीक्वेंसिंग करनी थी। जब ऐसा किया गया तो उसमें से दो ऐसे जीन्स, दो ऐसे क्रोमोसोम मिले जिसमें नंबर ऑफ जीन्स जो है हाइएस्ट और लीस्ट था, और वो था जो क्रोमोसोम नंबर वन है। क्रोमोसोम नंबर वन है, इसमें लगभग मैं एग्जैक्ट फिगर नहीं अभी याद है, 2900 समथिंग, मान लीजिए 2900, इसमें प्लस ही होगा, कम नहीं है, लगभग 2958 या 50 के अराउंड था सबसे ज्यादा जीन की खोज हुई क्रोमोसोम नंबर वन पे। यानी क्रोमोसोम नंबर वन पे सबसे ज्यादा जीन पाए गए, यानी आइसोलेट किया गया। और अगर क्रोमोसोम नंबर वाई देखा जाए तो इसमें लगभग 231 जीन्स मिले जो कि बहुत लीस्ट थे। तो इसका आंसर क्या होगा, देखिए, क्रोमोसोम 21 एंड वाई, क्रोमोसोम नंबर वन एंड एक्स, क्रोमोसोम नंबर वन एंड वाई, क्रोमोसोम नंबर एक्स एंड वाई। तो अब आपको आंसर पे टिक लगाना है, सी पे, यानी क्रोमोसोम नंबर वन पे बहुत सारा जीन्स पाया जाता है, इसी तरीके से वाई पे लीस्ट जीन पाया जाता है। तो ये क्वेश्चन आपके आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपको मल्टीपल चॉइस में मिल जाए, इसीलिए इसका आपको आंसर ध्यान रखना है। सिर्फ आंसर को देख के नहीं बल्कि आपके जहन में होना चाहिए कि क्रोमोसोम नंबर वन पे सबसे ज्यादा जीन्स पाए जाते हैं और क्रोमोसोम वाई पे सबसे कम जीन्स पाए जाते हैं। होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब आगे चलते हैं, सिकल सेल एनीमिया शोज, सिकल सेल एनीमिया क्या प्रदर्शित करता है? तो ये भी बहुत ही आसान सा है, ये एपिस्टेसिस, कोडोमिनेंस, प्लियोट्रॉपी या इनकम्प्लीट डोमिनेंस। एपिस्टेसिस आपको पता है, कोडोमिनेंस जब दो डोमिनेंट जीन जो है एक दूसरे को कोडोमिनेंट कर रहा हो, और नेक्स्ट है प्लियोट्रॉपी, यानी प्लियोट्रॉपी के केस में सिकल सेल एनीमिया जो है शो करता है प्लियोट्रॉपी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, द ट्राइजोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम कॉजेज, यानी 21वीं गुणसूत्र की अगर ट्राइजोमी हो जाए, एडिशनल कॉपी बन जाए, तब क्या होगा? तो उसका बेसिकली हमने आपको बताया था, डाउन सिंड्रोम हो जाता है। देखिए आंसर में क्या दिया है, फर्स्ट क्लिनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, सिकल सेल एनीमिया, डाउन सिंड्रोम। तो आंसर विल बी डाउन सिंड्रोम। तो 10वें नंबर का आंसर है, आपको सीधा से याद रखना है, ट्राइजोमी ट्राइजोमी ट्राइजोमी। ट्राइजोमी का मतलब है त्रिगुणसूत्री, यानी 21वें गुणसूत्र, 21वें जो क्रोमोसोम है उसका अगर ट्राइजोमी हो जाता है, एडिशनल कॉपी बन जाती है, तब कौन सा सिंड्रोम होता है, डाउन सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्वॉल्व इन ट्रांसक्रिप्शन ऑफ ट्रांसफर आरएनए, 5S आरएनए एंड snRNA ऑफ यूकैरियोट्स। तो ये भी सिंपल सा आंसर है, आपको मिल जाएगा आंसर, ऑप्शन क्या है, आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2, ये आंसर होगा आरएनए पॉलीमरेज 3 या ऑल ऑफ दीज। तो आंसर विल बी आरएनए पॉलीमरेज 3। देखिए ये सीधा सीधा है, इसमें कुछ समझाने का नहीं है, आपको ध्यान रखना है, आपको याद रखना है। कुछ क्वेश्चंस बायोलॉजी में याद रखने पड़ते हैं, एंजाइम्स के नाम याद रखना पड़ता है आपको, उसके लिए कोई दूसरा शॉर्टकट नहीं है, इसीलिए इसको आपको ध्यान में रखना है। चाहे ट्रांसफर आरएनए हो, 5S राइबोसोमल आरएनए हो, snRNA हो, यूकैरियोट्स में उसके ट्रांसक्रिप्शन के लिए इन्वॉल्व होता है आरएनए पॉलीमरेज 3। अब बात करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की इस वीडियो के, तो क्वेश्चन है, द स्पेसिफिक सिक्वेंस ऑफ DNA recognized by restriction endonucleases are, कह रहे हैं कि उस सीक्वेंस का नाम बताइए, या वो कौन सा सीक्वेंस, विशिष्ट सीक्वेंस या अनुक्रम है DNA का जो कि रिकॉग्नाइज किया जाता है रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम के द्वारा। तो मैंने आपको बताया था कि रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो होते हैं वो बेसिकली ऐसे सीक्वेंसेस को रिकॉग्नाइज करते हैं जो जिसको दोनों तरफ से पढ़ा जा सके, उल्टा या सीधा। अगर आपको ध्यान हो तो मैंने बताया था, इसे बोलते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस। जैसे
कि गार्ट सी आता है, GAATTCC, तो इस तरह से दोनों तरफ से अगर पढ़ेंगे आप तो वो सेम ही मतलब निकलता है। तो अब आंसर में ढूंढिए है क्या नहीं है, पहला ही आंसर है पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस, VNTR, मिनी सैटेलाइट, ऑल ऑफ दीज, तो आंसर विल बी पैलेंड्रोमिक सीक्वेंसेस। तो आज के इस वीडियो में हमने सिर्फ 12 क्वेश्चंस लिए, बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए वीडियो और फिर आप बोर हो जाते हैं ज़्यादा लंबी वीडियो होने से, इसीलिए मैंने 12 क्वेश्चंस लिए हैं। और आगे के मतलब इसके बाद जो भी क्वेश्चंस बचे, मुझे 100 क्वेश्चंस ही आपको बताना है और उसमें से ही आपको जो आपके मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस बिहार बोर्ड में आने वाले हैं वो आपको मिल जाएंगे, ये ऐसी उम्मीद है क्योंकि मैंने बहुत सारे पेपर्स को पढ़ा है और बहुत सारे रिसर्च के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, वो भी आप लोगों के रिक्वेस्ट पे। तो होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो अपने सारे दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए और मुझे कमेंट में बताइए कि अगली वीडियो आप चाह रहे हैं या नहीं चाह रहे, और साथ ही साथ कितना गेस आप चाह रहे हैं शॉर्ट में, वेरी शॉर्ट में। सो सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।